बिल्कुल तैयारी। द्वारपाल आज तुमसे मुझे एक बात कहनी है। कहिए मलकिनी। सुनो क्या सुनाती हूँ। आय हाय हाय। अरे जल्दी खबरिया दरबारी हो दे जल्दी हो यहाँ से तुम जाओ और देवर रुदल को बुला कर मैं उनसे कुछ बातें करूंगी। जैसा कि अमल की नहीं जल्दी जाओ। मालिक हो दाचंद महाराज। हेलो हेलो। आओ जल्दी जल्दी आओ। क्या बात है लाड बहारो। आप तो राजा रोक पहले ही आवे तब ना। क्या तुम्हारे मोबाइल में पैसा नहीं है क्या रे? आज तो हमारा मोबाइल में तीन दिन से रिचार्ज ना है। अच्छा ठीक है, पाँच दस मिनट में आ जाएंगे। जल्दी आओ। बाय। करी सुमिरा नम भैया। आओ हो भैया दूर गए
सिंह कहा करता है पता नहीं शेयर उदल सिंह एक बार मोहब्बत में लाद देता है तो मोहब्बत कापता है साथ साथ में हमारे लाल बहादुर ने खबर किया लेकिन अभी तक के मोहब्बत में आए हैं लेकिन मेरा मोहब्बत में नजर नहीं आ पा रहा है एकदम चका चक महाराज चका चक हरम चादर लाई कहीं का जब समाज लाने रुदन सिंह के सामने आने की बात जी एक शकुन आवाज नहीं आना चाहिए तो कहां कुछ वक्त निकल गया लाट बहादुर यहां जाओ अच्छा है ना एकदम ठीक है लेकिन तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं हां कहियो ए बता दे मेरा मोहब्बत में आना कितना देर बीत गया लड़ला मौसम तो 4 घंटा तो 4 घंटा तो 4 घंटा से तुम कहां था महाराज हम तो ले रहे थे तत मार मारेंगे बेटा सुबह सुबह हम तो क्या चीज ले रहा था ओ खड़े खड़े ले रहे थे महाराज क्या कहूं नहीं कहूं ए बोलो जय की महाराज आपने महाभा को काट कर्म खत्म होने के बाद मैंने जाकर के चाय दुकान पर बैठ के और चाय पीने के बाद हर इंसान थोड़ा देर के लिए पेपर लेता तो ओहे ना चाय दुकान पर चाय पिए तो या पेपर के खरे खरे ले लिया जाता है एक कहिए कि महाराज चाय पीने के बाद हम थोड़े देर के लिए पेपर पढ़ते हैं वो है पढ़ ही रही है हम तो चुपचाप हरिया महाराज अगर हमसे कोई गलत हुए तो छेना फाड़ दीजिए क्षमा कीजिए क्या रे दूध के छेना फाड़ दे ना क्षमा कीजिए फाड़िए ना ए समाज का के रुदन से क्या कहा आई बा क्या है एक मिनट हरे 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 चला नहीं दो समय होश में रहो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ओहो ये कत्ता शराल रमीला नर क्या महाराज आओ हो लाया तो हरा
खुश रहिए देवर जी, आज मैं आपको मैं किस लिए बुलवाई हूँ, क्या कारण से बुलवाई हूँ आप जानते नहीं चाहेंगे भाभी। हाँ, ये बात मैं जानना चाहता हूँ। आज मैंने अपने टैंक बंगले पर सियासत से बैठे हुए थे और साथ साथ में लाल बहादुर का फोन मेरे पास ही आया है। भाभी सुनिए, मैं कह सकता हूँ ठीक है, एक बात नहीं अच्छी अच्छी बात कहो। आहो लग गए लला से बा देवर जी हमार दिलवा में, भ
भाभी कोई अच्छा बात है कि खराब? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है ना? ठीक है कहो। आह देवरा सुन लो, आह रुदल हमारी बात, आह देवरा सुन लो, आह रुदल हमारी बात, अत बेलवा तला बेलवा देवरा मिठू करवा दे। मेरे पास में आई सुन हो दिल का रसवा हो दबरा लबा हो पूरा, हो दिल का रसवा हो दबरा लबा हो पूरा, ललसा पूरा दो दबरा मेरे दिल कर चलिए मिट्टू घर में मेला में, और मैं मेला में जाऊंगी, मैं अपने दिल के अरमान पूरा करूंगी। कहां जाना है? मेला घूमने जाना है। बाप रे बाप, कह पर हाथ नहीं, कहां जाना है? मेला जाना है। मेला? हाँ। थोड़ी सी बात कहूँ? कौन सी बात? उधर से बात करो। ए जग छग रही है ना? हाँ तो क्या? तेरा से बेस्ते बस छग रहा है मैं। क्या है? कब प्रबंध कर दूँ? कब? आहे लगा दे मोहबन, बन कीजिए क्या आप वहां से अच्छा मिला यहां लगाइएगा? कह दे उन लोग के बाप रे बाप, उस झूला पर तोर लगाई छी। कह दे ना ना, हो भाई जी हो झुलवा खाल, 20 तारीख के झुलली रह मंग रही है हमें, उल्टी पुल्टी सब हो गए लग रहा, हम तोर लगाई छी। ऊ बना के कह दे नहीं, उस सब हमको मेला नहीं घूमना है। क्या बात है? सुंदरा है मेरा
नहीं भाभी धरो इधरो बोलिए मैं सुन रही हूं इधरो आप बोलिए भाभी हमरा फिर दुलार ना चले वाला भाभी आपका भाभी मैं नहीं इधरो इधरो अगर इस मेला से जो मेला में हो इससे अगर बढ़िया मेला अगर मैं महाभारत में लगवा दूं एक से एक खेल वालों को एक से एक खेल तमाशा वालों को एक से एक झुलवा वाला को मंगवा लेंगे बस अपने महाभारत में बैठिए झूलिए घूमिए कोई दिक्कत नहीं ए सुन लीजिए मेरी बात आप भी कान पर्दा खोल कर कि आप कितना सुंदर मेला इस नगर महोत्सव में लगाइएगा मुझे वो मेला नहीं देखना है मैं जब भी मेला देखूंगी तो सिर्फ मिट्ठू करके मेला देखूंगी अच्छा सुन सोचने का चीज है भाई हां ताकि ये बड़े भाई जी का पत्नी है अगर हम जो भी लेके जाएंगे तो भैया कहेंगे जरूरत सिंह का मन हुआ तो मेला लेके चला गया ऐसा तो दोनों भाई में विवाद हो जाएगा भाभी एक बात कह एगो ना तू चार गो कही वाह हो भाभी आहे त जाके आदेश है मांग भौजी है आहे बड़का भैया से
क्या मेरे भैया से जाके मांगिए अगर मेरे भैया आदेश दे देंगे तब हम आपको मिठुनगर मेला ले चलेंगे हेलो हेलो अरे लाल बहादुर हेलो हमारे तुलसी जी बैंड मास्टर चल गई हो कृपया मंच पर आए तुलसी जी बैंड मास्टर अगर हमारी आवाज सुने तो हम अपना पैट पर चले आए लात बहादुर जी हजूर अरे भाभी सोना के कह दिया कहा ना कहा हम पहला कहा उठ को चलो सब सब भाभी सोना कहिए देवर जी आप यहां से चले जाइए बड़े भैया के पास अगर बड़े भैया ने से दे देंगे तो अच्छी होगा ठीक है आप तब तक आराम कीजिए पहचाने हेलो हेलो ना चले हेलो हेलो गुड में हो साथ वाला भैया हेलो 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 सब तोरा बात को मोल जा हेलो हेलो अरे ये गुस्से से टीम करके छोड़ दो हेलो 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 चलो चलो हेलो द्वार पर हेलो बोलिए बोल के नहीं ऐसा करो देखो देवर जी के कहना है कि भाभी सुनो आप जाइए और अगर मेला आपको जाना है तो मेरे भैया जी से ऑर्डर ले लीजिए उसके बाद मैं आपको मेला ले चलूंगी ऐसा करो जितना जल्दी जाओ बुला कर लाओ जब तक मैं जाती हूँ महल के अंदर बुला कर लाओ हाँ किनका बुला कर लाओ मेरे स्वामी जी को अच्छा अच्छा तुरंत बुला दे तो हमको कह दो भाई हमको लेके चले अरे हर जाना देवर जी का कहना है कि आप भैया जी से ऑर्डर ले लीजिए तब मैं लेकर जाऊंगा ठीक है चल चल अरे मोरे अंगना में भोले बाबा यही ले अरे भूति परती सभी से अगर मैं वहां पर जाऊं और तुम स्वामी जी को बुला कर लाओगे तू तो कंस महाराज बिगड़ जाएगा दरबारी ऐसा करो इसी जगह से आप लोग घूम चलते अगर देवर जी पूछेंगे कि भाभी सोना का ऑर्डर मिल गया तुम क्या बोलोगे उस जगह अगर तुम इतना कर दोगे तो मैं तुमको 100 ग्राम जलेबी की हाँ 27 तारीख वाला मेला में बक्सा 27 वाला वहाँ की दूंगी चल चल